हथीन आईटीआई में शुक्रवार को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान पलवल जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कंपनियों से आग्रह किया कि क्षेत्र के युवाओं को अच्छी तरह से रोजगार दिलवाने में मदद की जाए। इस रोजगार मेले के दौरान क्षेत्र की करीब दर्जनों कंपनियों ने मौके पर जाकर छात्र छात्राओं को रोजगार देने के लिए आवेदन किए। मेले में करीब 276 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से करीब 132 युवाओं को मेले के दौरान आई कंपनियों ने रोजगार देने के लिए हामी भरी, अपने लिस्ट में नामांकन किया। आईटीआई के प्रिंसिपल ने बताया कि ओबीसी की शाखा द्वारा 3 युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रपोजल स्वीकृत किया गया है। रोजगार मेले के दौरान पहुंचे जिला उपायुक्त ने कहा कि 3 कार्य बड़े पुण्य के हैं, किसी को रोजगार देना, किसी को रोजगार दिलवाना व रोजगार के योग्य बनाना। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सभी अपने हुनर को भूलकर अपनी मर्यादाएं बचाने में लगे हुए हैं और लोगों को भी रोजगार आता है, उसे खुद न कर करवा कर दूसरे लोगों को करवाने में लगे हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में उपायुक्त महोदय का जिला रोजगार अधिकारी SS रावत द्वारा भी स्वागत किया गया। वहीं इस रोजगार मेले में पटेल इंश्योरेंस सर्विस द्वारा भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। दुनिया में 3 ही काम सबसे बड़े पुण्य के होते जिनसे पुण्य कमाया जा सकता है, या तो किसी को रोजगार दे दो या रोजगार दिला दो और या फिर रोजगार की लायक बना दो, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होता। क्योंकि हम भी जिस गरीब माहौल से भूखमरी के माहौल से निकले थे, हमको मालूम है बेरोजगारी क्या होती है, रोजगार का महत्व क्या होता है। तो हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर वो समझते थे कि इन तीनों कामों से, यानी या तो रोजगार दे दे या रोजगार दिला दे और या रोजगार की लायक बना दे, इससे किसी गरीब के घर में चूल्हा जलने लगता है, उसी बार उनसे भले लगते जीने की जो निराश भाव आशा में परिवर्तित होने लगता है। तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। इसीलिए मैं रावत जी का, प्रिंसिपल साहब का और बाहर शहर सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप एक अच्छा काम करने जा रहे और इन बच्चों को रोजगार मिलेगा, जिससे कि इनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अथीन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे पलवल जिला के उपायुक्त श्री मनीराम शर्मा जी IAS जी रहे, जो उन्होंने आकर हमारे जितनी कंपनियों ने 12 कंपनियों लगभग भाग लिया, सभी को धन्यवाद किया उन कंपनियों को आने के लिए, और जो जो बच्चे भी रोजगार के लिए आए हुए थे उन सभी का भी उपायुक्त साहब के द्वारा मोटिवेटेड किया गया। लगभग हमारे यहाँ पे 276 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें कि 132 बच्चे विभिन्न कंपनियों द्वारा शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्द ही हमारे पास कंपनियों द्वारा भेज दिया जाएगा। और उपायुक्त महोदय का बड़ा मोटिवेशनल स्पीच, और उन्होंने बड़ा ही मोटिवेशन सभी बच्चों को भी और जो कंपनी से आए हुए लोगों को दिया, और हमारे स्टाफ में और रोजगार कार्यालय विभाग द्वारा रावत जी जो जिला रोजगार अधिकारी पलवल हैं उनके तत्वाधान के साथ हम लोगों ने मिलकर इस रोजगार मेले का आयोजन किया। और हमारी ये आशा भी है और हमारा ये रहेगा कि आगे भी हम इस टाइप के रोजगार मेले लगाते रहें और हमारी ITI में, ना सिर्फ ITI में बल्कि और भी बच्चे और दूसरी ITI से, और हमारा जो बच्चे एनरोल हुए हैं 100% प्लेसमेंट हर ट्रेड के बच्चे का हो, जिससे कोई भी बच्चा बेरोजगार न रहे और ना ही घर पे बैठा रहे। कौन सा रोजगार मेला यहाँ पे लगाया? अभी जो हमारा रोजगार मेला 4 नंबर रोजगार मेला लगाया जो इस साल का था, और आगे भी इस टाइप के मेले लगातार लगाए जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रोजगार कार्यालय पलवल और ITI हथीन के संयुक्त तत्वाधान में ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 12 कंपनियों ने भाग लिया था और इसके साथ ही हमने कुछ बैंक्स को भी बुलाया था, और उनमें से OBC बैंक हथीन ने
3 स्वरोजगार लोन भी प्रिंसिपल ने स्वीकार करे हैं और 3 बच्चों के उन्होंने प्रपोजल जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्वीकार करें। तो हम होप करते हैं कम से कम 5 बच्चों को यहाँ पे रोजगार नहीं स्वरोजगार भी करने का अवसर मिला है, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। और हम सर रोजगार मेला जो लगाया गया था उसमें LIC की क्या भूमिका रही? हथीन ITI में आज रोजगार मेला जिला उपायुक्त DC साहब की तरफ से लगा था। DC साहब भी आए थे और पूरे प्रशासन का भी सरकार का भी पूरा वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बच्चों को दिया जाए। इसमें सभी कंपनियों ने अपने अपने ट्रेड के हिसाब से रोजगार दिए। LIC भी जो 10वीं पास होते हैं या 12वीं उनको एजेंसी या BA में कुछ भी कर रखे हों उनको एजेंसी के तौर पे एजेंसी दी जाती है, जिसकी ट्रेनिंग 2-4-10 दिन फरीदाबाद होती है और दिल्ली में उसका ऑनलाइन पेपर होता है। आज जो रोज़गार मेले में ख़ास तौर पे रोज़गार के लिए तो लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया ही कराया, ख़ास तौर पे आकर्षण रहा कन्यादान पॉलिसी। आपको सर बताएं कन्यादान पॉलिसी क्या है, जिसके बारे में बहुत लोगों ने उसकी इंक्वायरी ली। हर माँ बाप अपने बेटी के प्रति बहुत जागरूक होता है कि बेटी का कन्यादान कैसे करेंगे क्या करेंगे। बेटी जब पैदा लेती है तो बाप उसी गोद में लेता है और फिर जब शादी होती है तो कंधे पे सिर रख के जब बेटी विदा होती है तो उसमें वो सोचता है दुनिया का क्या ऐसी चीज़ बेटी को ना दे दूँ। हर माँ बाप सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है। लेकिन अगर उसके लिए वो बैंक जेब में बैलेंस हर चीज़ करता है बेटी के, खुदा ना खास्ते बीच में फादर के साथ कुछ हो जाता है, जैसे अगर उसने कन्यादान पॉलिसी लिया है करा रखा है तो फादर रहे तो शादी होगी होगी, नहीं रहे तो भी होगी, उसी धूमधाम से होगी जिस धूमधाम से उसने सोच रखी है। उदाहरण के तौर पे सर आपको समझाएं कि अगर 5 लाख का आपने बीमा लिया है जिसकी प्रीमियम 22-23 साल का अगर टर्म लेते हैं तो 2000 प्रीमियम जाएगी, और फादर के साथ कुछ भी कभी भी मिसहैपनिंग होती है तो तुरंत नॉर्मल डेथ होता है तो 5 लाख, एक्सीडेंटल होता है तो 10 लाख, और 50,000 रुपया बच्चे के पढ़ाई और लालन पालन के लिए जब तक 22-23 साल का टर्म है टर्म तक लगातार मिलता ही रहेगा। और 22-23 साल पर जब शादी का समय होगा उस समय 11.5 लाख रुपया कन्यादान के तौर पर मिल जाएगा। देश विदेश की राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।